सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने वीडियो के थंबनेल और टाइटल में भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी मार्केट से जा करके या मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन एयरटेल पेमेंट बैंक आपने ओपन किया हुआ है और आप दोस्तों चाह रहे हैं कि उसे फ़ोनपे के अंदर लिंक करें और उससे पैसे भेजें, ट्रांजेक्शन करें, तो वो कैसे कर पाएंगे? क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहा था कि भाई आपने बोला हुआ था कि आप एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन करा लीजिए और आप लोग फ़ोनपे चलाइए। तो हम लोगों ने उसी तरीके का किया है, लेकिन हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर जो है यहाँ पर यूपीआई पिन किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से क्या करना है, सारा जानकारी हमें बताइए। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस में आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से एयरटेल पेमेंट बैंक को दोस्तों आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और आप दोस्तों उसे फ़ोनपे के अंदर किस तरीके से लिंक कर सकते हैं, यूपीआई पिन किस तरीके से बना सकते हैं, वो भी बिना एटीएम कार्ड के, सारा जानकारी जानने को इस वीडियो में मिलेगा। अगर आप एक दोस्तों नया एयरटेल पेमेंट बैंक धारक हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, आप फ़ोनपे एप्लीकेशन को जो है सबसे पहले डिलीट कर देना और आपको दोस्तों लेटेस्ट वर्जन का फ़ोनपे एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करना है, जिसका लिंक मैंने आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अपना मोबाइल नंबर दोस्तों डाल करके लॉगिन कर लेना। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आपको दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले देख सकते हैं एयरटेल एप्लीकेशन को, एयरटेल ऐप जो है उसको दोस्तों आपको लॉगिन करना है। एयरटेल ऐप दोस्तों आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या इसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्ट आप वहां से क्लिक करके एयरटेल माई एयरटेल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और आपको दोस्तों अपना मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन करना है, आपको यहां पर उसी मोबाइल नंबर को डालना है जिससे दोस्तों आपने एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन कराया हुआ है और जिसका आप फोनपे के अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो उसी नंबर को आपको दर्ज कर देना है। डालने के बाद दोस्तों आपके सामने इंटरफेस जो है कुछ इस तरीके का दिखाया जाएगा सबसे फर्स्ट में। तो आपको यहां पर दोस्तों फोनपे के अंदर जाने से पहले यहां पर आपको कुछ सेटिंग्स करना होगा, यूपीआई पिन बनाना होगा ताकि आप दोस्तों डायरेक्ट वहां पर जाके ट्रांजेक्शन कर सके। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहां पर प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। प्रोफाइल ऑप्शंस पे जैसे आप आते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, जस्ट आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का सेटिंग्स मिलेगा, देख सकते हैं आपको पेमेंट सेटिंग्स, ऑटो पे और यहाँ पर दोस्तों बैंक का ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं बैंकिंग का। आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको पेमेंट सेटिंग्स पे क्लिक करना है। ध्यान से देखना दोस्तों, आपको सारा चीज़ मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों, जो भी है आपके सामने मैं सारा चीज़ लाइव दिखा रहा हूँ। तो आपको दोस्तों घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप एयरटेल पेमेंट बैंक बेहद ही आसानी से कर पाएंगे और आपको दोस्तों एटीएम कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर दोस्तों आने के बाद एक यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेगा, देख सकते हैं सेविंग अकाउंट, यहाँ पर ऑप्शंस मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों सेविंग अकाउंट में आते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शंस आपको मिलेगा, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको एक फॉरगेट का ऑप्शंस मिलेगा, जस्ट आपको फॉरगेट में क्लिक करना है। जैसे दोस्तों फॉरगेट में क्लिक करते हैं, अब आपको अपना दोस्तों आधार कार्ड उठाना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आने के बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड में दोस्तों जैसा आपका फर्स्ट नाम लिखा होगा, तो यहाँ पर आपको जैसे कि आपका यहाँ पर राहुल नाम है, जैसे कि राहुल कुमार, तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आप राहुल डालेंगे, नीचे कुमार डालेंगे और यहाँ पर जो है दोस्तों जैसा डेट ऑफ बर्थ दोस्तों आपको यहाँ पर जो है आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ, जिसे दोस्तों आपने एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन कराया, सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल के सेंड ओटीपी में क्लिक करेंगे, सबमिट में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल के और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट में क्लिक करते हैं। सारा चीज़ दोस्तों अच्छी तरीके से फिलअप करना, तभी जा करके आपका यहाँ पर काम हो पाएगा, नहीं तो दोस्तों आपका नहीं हो पाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर दोस्तों एक ओटीपी भेजा जाएगा, देख सकते हैं आपको एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से ओटीपी जो है दोस्तों 9642 यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों हम डाल देंगे उस ओटीपी को और डालने के बाद जस्ट आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 4 अंक का पिन बनाना होगा, याद रखना दोस्तों ये पिन आपका जो है फोनपे के अंदर दोस्तों बैलेंस चेक करने से लेकर के आपको पैसा ट्रांसफर करने तक का दोस्तों इसी पिन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको जो है अपना यूपीआई पिन जो है अच्छी तरीके से दर्ज करना है और आपको दोस्तों अच्छा सा एक यूपीआई पिन बनाना है। तो यहाँ पर चलिए मैं अपना जो है यहाँ पर मैं डाल देता हूँ और डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आप यहाँ पर मैं डमी सिर्फ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपना अलग डालूंगा और यहाँ पर दोस्तों नीचे से ऊपर डालने के बाद आपको नीचे सेम टू सेम डालना है और यहाँ पर क्या करना है दोस्तों डन पे क्लिक करना है। डालने के बाद दोस्तों सक्सेसफुली दोस्तों आपका देख सकते हैं पिन जो है यहाँ पर दोस्तों बन चुका है। अब आपको दोस्तों फोनपे एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फोनपे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना है और जो लिंक मैंने आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी लिंक से आपको क्लिक करके फोनपे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन में क्लिक करना है।
उसके बाद दोस्तों आपको जो है इस तरीके का मैसेज भी मिलेगा जो आपका यूपीआई पिन है वो बन चुका है। और यहाँ पर दोस्तों बैंक अकाउंट जोड़ने के लिए फोन पे के अंदर आपको यहाँ पर प्रोफाइल ऑप्शंस दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपका अगर बैंक अकाउंट पहले से लिंक होगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर आपने दोस्तों कोई बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया तो यहाँ पर आपको ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। अगर यहाँ पर नहीं मिलता है तो आपको भी ऑल पेमेंट मेथड में क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऐड न्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको अपना बैंक अकाउंट को दोस्तों यहाँ पर आप जो एयरटेल पेमेंट बैंक को यहाँ पर ढूंढना होगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर बैंक आ जाता है और थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एयरटेल पेमेंट बैंक। तो यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक को मैं लिंक कर देता हूँ। लिंक दोस्तों किया जा रहा है, हालांकि हमने ब्लर किया हुआ दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं रिसीट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर हम डन करेंगे। और डन करने के बाद दोस्तों आपको फोन पे के अंदर दोस्तों होम पेज पर आ जाना है। तो चलिए मैं होम पेज पर आ जाता हूँ। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको चेक बैंक बैलेंस, इस पर हम क्लिक करेंगे। एयरटेल पेमेंट बैंक दोस्तों आ चुका है यहाँ पर जो है, हम अपना उसी पिन को दोस्तों यहाँ पर डालेंगे। और डालने के बाद दोस्तों हम सबमिट में क्लिक करेंगे। बैलेंस दोस्तों जो भी होगा आपका एयरटेल पेमेंट बैंक में वो आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। और यहाँ से दोस्तों आप लोग किसी को भी पैसा भेज सकते हैं और किसी का दोस्तों मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक दोस्तों फोनपे के अंदर लिंक करके। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। साथियों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें। अगर आपके में कुछ सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में दोस्तों। तो जय हिंद, वंदे मातरम।